मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। प्यारा तेरी यारी को। दोस्तों, आप सब तो गौतम बुद्ध को जानते ही होंगे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब होता क्या है, उनको एक घायल हंस मिलता है जो कि उनको तीर लगा हुआ रहता है, जहाँ पर तीर लगा हुआ रहता है उनके बॉडी में। और सिद्धार्थ उस हंस को मरहम पट्टी करते हैं, उसके बॉडी से तीर निकालते हैं और उनको अच्छा करते बचा लेते हैं। अदरवाइज वो मर जाते तो क्या होता। हंस को जो मारने वाला होता है देवदत्त होता है, जो सिद्धार्थ का चचेरा भाई रहता है। अब होता यह है, देवदत्त बोलता है कि हंस हम लेंगे क्योंकि मैंने इसको शिकार किया, और सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, इसको मैंने बचाया है, इनको हमने मरहम पट्टी किया तो ये मैं रखूंगा। अब वो क्या करते हैं, वो जाते हैं महाराजा के पास। अब महाराजा फैसला लेते हैं ये हंस आखिर किसको दे। दोनों का हक बराबर है, एक ने बचाया है, एक ने शिकार किया है। तब क्या करता है महाराजा, दोनों को आपस में साइड साइड खड़ा कर देता है और हंस को बीच में रख देता है। उसके बाद हंस देवदत्त की ओर देखता है तो डर जाता है, और उसके बाद सिद्धार्थ की ओर देखता है तो उसके साथ चल जाता है, उनके गोदी में चल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कहावत है लाइन जो आज के डेट में पॉपुलर है पूरा, कि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले को होता है। अब दोस्तों, आप लोग को तो पता होगा यूट्यूब पर अभी एक वीडियो जो है ट्रेंड पर चल रहा है, आरिफ और सारस की यूट्यूब पे और फेसबुक पे पूरा वायरल हो रहा है। आप लोग कहीं ने देखा होंगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आरिफ और सारस की तो ऊपर में ही आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हुआ यह दोस्तों कि एक लड़का का नाम आरिफ है, जिनको सारस मिलता है, वो भी घायल, उनके पैर में चोट रहता है, तो उसको अच्छा से इलाज करके उनको मरहम पट्टी करके उनको अच्छा कर देता है, उनको पैर को जो है अच्छा कर देता है। अब वो सारस को ठीक करने के बाद, अब जब वो छोड़ने जाते हैं उनको जंगल में, तो हंस जो सारस है वो जाता ही नहीं, वो भाग कर फिर आरिफ के ही पास आ जाता है। तब वो सारस उनको छोड़ के जाता ही नहीं, एक तरह से सोचो कि फ्रेंडशिप ही दोस्ती की तरह एकदम दोनों हो गए थे। और मैं बता दूं, आरिफ भाई ने उनको कैद करके नहीं रखा है, और ना ही उनको बांध के रखा है, और ना ही उनको पिंजरे में रखा है। वो सारस इनके पास खुद उनके पास रहते हैं। जब वो बाइक चलाते हैं तो उनके पास सारस भी उड़ते उड़ते जाते हैं, और अगर साथ में खाना खाते हैं और दोनों भी साथ में खाना खाने लगते हैं, जो भी मिलता था खाना वो दोनों साथ में ही खाते थे। साथ में जो आरिफ जहाँ पे बाइक राइड करता है वहां पे भी वो जो सारस है उनके पीछे पीछे उड़ता उड़ा चला जाता है, और जहाँ पे रुकता है वहां पे भी वो रुक जाता है। इसको बोला जाता है एक दोस्ती का मिशन, ठीक है। अब हुआ ये दोस्तों, किसी भी जानवर पक्षी हो गया, जानवर पशु हो गया, उनको अब कैद करके नहीं रख सकते, उनको एक स्वतंत्र जिंदगी चाहिए, उनको जंगल में ही रहना, या फिर वो गवर्नमेंट रख सकता है, सरकार रख सकता है। जब ये वीडियो वगैरह वायरल होने लगे तब वो धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता चला, तब सारस को जो है उनको चिड़ियाघर ले गए, कानपुर या लखनऊ चिड़ियाघर में ले गए। अब यहाँ पर दोस्तों इसी चीज का न्यूज आप लोग यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे कि वो जो सारस है वो आरिफ को दे देना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है। आप लोग खुद डिसाइड करो कि वो जो सारस है वो आरिफ को दे देना चाहिए या नहीं। अगर मेरा सजेशन लोगे तो मैं बताता हूँ कि उनको दे देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है सारस को कैद करके नहीं रखे, ना पिंजरा में रखे, ना वो बांध करके रखे, इसीलिए उनको दे देना चाहिए, उनको एक स्वतंत्र जिंदगी चाहिए। सारस ना खुद उनके पास रहते थे, सारस तो खुद उनके पास रहते थे, ना उनको बुला के मिले तो उसके पास ही खुद रहते। यहाँ तक मैं बता दूं, जब सारस को चिड़ियाघर ले गए तो वो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो जानवर है, वो बोल तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, उसमें बहुत कुछ होता है। एक इंसान में जितना फीलिंग्स होता है उतना एक जानवर में भी होता है, एक पक्षी में भी होता है, उतना सब चीज में होता है, जितना दुनिया में चीजें, एक इंसान में जितना फीलिंग्स है उतना पूरे दुनिया के जीव में उतना फीलिंग्स होता है। और आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे आरिफ और सारस की तो उसका पूरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो में देख के आप लोग बताइए आप लोग का डिसाइड क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।